भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट का मामला सामने आया है। घटना तब हुई जब ग्रामीणों ने मंदिर प्रांगण में महिलाओं के साथ शराब के नशे में धुत सिट्टू यादव और उनके साथियों द्वारा गाली गलौज और अभद्र व्यवहार की शिकायत पुलिस को दी। मौके पर बुद्धूचक थानेदार मुकेश यादव पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वहीं कहलगांव डीएसपी अर्जुन कुमार गुप्ता ने हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत कराया। डीएसपी ने पुलिस के अभद्र व्यवहार से इनकार किया और कहा कि ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत कर दिया गया है। हालांकि ग्रामीणों ने पुलिस पर एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और महिलाओं ने थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पूरे मामले को लेकर मुखिया मनोहर कुमार ने बताया कि अगर थानेदार पर कार्रवाई नहीं होती है तो महिलाएं एकजुट होकर उनके खिलाफ विरोध में उतर सकती है। इस घटना को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर थानेदार का पुतला भी दहन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है, जिसके बाद डीएसपी के समझाने पर रविवार की रात मूर्ति का विसर्जन किया गया। वहीं ग्रामीणों ने भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार, रेंज डीआईजी विवेकानंद और भागलपुर सांसद अजय कुमार मंडल से थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यहाँ पे क्या घटना हुआ था? यहाँ पे 11 तारीख के रात में 12:15 बजे रात में कुछ जो है नवयुवक जो है शराब पीकर मतलब बढ़िया इधर से आए और यहाँ पे जो है महिलाएं सब जो है गीत मंगल गा रही थी, तो वो शराबी सब जो है आके मतलब रुका। उसके बाद जो है महिलाओं को देखकर वो अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे, गाली गलौज जाति सूचक देने लगे। इसी में जो है रात्रि का समय था, 2-4 युवक यहाँ पे था जो कि माता का प्रतिमा का देखभाल कर रहे थे, वो सब उसको समझा बुझा के भगाने कोशिश किया, तुम सब काहे गाली गलौज करते हो जा। तो उसके बाद जो है 4-5 लड़का उसके साथ जो आया था वो सब मारपीट करने लगा। इसी पे महिलाएं जो है यहाँ पे हो अल्लाह की, तो हो अल्लाह करने के बाद जो है गांव के लोग जब जुटना शुरू किया तो उनका मतलब देख कर जो है वो सब भाग गए। उसी में से एक जो है सिट्टू यादव को ग्रामीण ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जो है थाना प्रभारी को सूचना दिया गया कि हम मतलब इस तरह की घटना हुई, आप आइए। तो उनके बाद जो है थाना प्रभारी मतलब आए, कुछ देर के बाद आने के बाद सिट्टू को देखकर बोलता है कि मतलब सिट्टू जी आप हैं? अरे जाइए आप घर, हम मतलब मामला को देख लेंगे। इनके बाद जो है ये सब मतलब जो हमारे यहाँ पे जजमान थे वो सब मतलब विरोध किए कि इस तरह की घटना कर रहे हैं आप, मतलब कहाँ हैं मतलब रहते हैं। तो इसी पर जो है ना मतलब जो है मतलब हमारा जो जजमान है श्रीकांत मंडल ये है, और इनको और इनके भाई को जो है जूता से मतलब थाना प्रभारी मुकेश यादव के द्वारा मारा गया, जिसका कि हम सब विरोध करते हैं। उनके बाद जो है वो मतलब धमकी देकर रात में ही गए कि तुम सबको हम सब देख लेंगे, तुम मतलब जो है बहुत अपने आप में बनते हो। मारपीट का कोई साक्ष्य है? देखिए रात का समय था, कम लोग जगे हुए थे, मतलब जिस समय घटना हुई तो उसके बाद जब लोग जुटे तो मतलब उस समय जो मतलब मारा है उनका थोड़ा सा वीडियो है और कुछ क्लिप है मतलब उसमें आपको दिखाई दे रहा है। और उनके बाद जो है थाना प्रभारी जो है वो जो है हमारे संस्था के लोगों पर, उसके बाद जजमान के परिवारों के ऊपर ये झूठा ये प्यार कर दिया है। इसीलिए हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जब तक कि इस गरीब ये जो समाज है, हम सब आदिवासी बहुल समाज के लोग हैं, इस सबका मतलब गरीब के साथ जो थाना प्रभारी अत्याचार किए हैं और गलत ढंग से ये प्यार कर दिए हैं, जब तक कि इस पर जो है वरीय पदाधिकारी एक्शन नहीं लेते हैं और हम सब जो निर्दोष को जब तक इसका सही जांच करके हम सबको निर्दोष घोषित करें और जो है भ्रष्ट थाना प्रभारी को यहां से अविलंब निलंबित किया जाए। विसर्जन कब तक होगी? जब तक कि ये थाना भ्रष्ट थाना प्रभारी को निलंबित नहीं किया जाता है तब तक हमारे ग्रामीणों ने आसपास के समाज ने निर्णय लिया है तब तक हम सब जो है विसर्जन नहीं करेंगे। आप अपना परिचय बताइए। निशिकांत मंडल, पूर्व मुखिया और भोला टोला मेला समिति। पीरपैंती प्रखंड के मध्य विद्यालय पसियाचक में सातवीं कक्षा के छात्र रोहन कुमार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई है और डॉक्टरों ने बताया कि रोहन के कान का पर्दा फट गया है। वहीं रोहन की मां रीना देवी ने आरोप लगाया कि स्कूल के शिक्षक अक्सर बच्चों को प्रताड़ित करते हैं और बिना कारण मारपीट करते हैं। मामले को लेकर युवा नेता सोनू कुमार यादव ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा
कि शिक्षा पदाधिकारी की मिलीभगत से यहाँ के शिक्षकों का मनोबल बढ़ा हुआ है, जिसके कारण बच्चों का शोषण किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल में जातिवाद के नाम पर भी भेदभाव और मारपीट की जाती है। वहीं मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने उच्च अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। रीना देवी, ये लड़का कौन है आपका? बेटा। क्या हुआ था इनके साथ स्कूल में? स्कूल में तो ये गया था पढ़ने के लिए, हम तो घर में नहीं थे, मायके यहाँ गए थे। इसको हमरा यहाँ फ़ोन किया कि मम्मी हमको मार के सर कान फाड़ दिए हैं, तो हम बोले कहाँ हैं, तब टोटी कोई और तोड़ा हमको सर मारे, तो हम आए तब बोले सर को तो लेकर के गए और वहाँ से दिखा करके लाए, फिर इसका कान बंद होबे नहीं कर रहा है। भागलपुर सुल्तानगंज शमशान घाट पर आज शहीद इंडियन आर्मी के जवान शुभम सिंह उर्फ संगम का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। मुंगेर जिले के खड़गपुर प्रखंड के मिल्की गांव निवासी शुभम सिंह राजस्थान के कोटा बॉर्डर पर तैनात थे, जहां बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। अंतिम संस्कार के दौरान कोटा से आए इंडियन आर्मी के जवानों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 3 राउंड आसमानी फायरिंग की। इस मौके पर मिल्की गांव के सैकड़ों लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। शहीद के परिवार के सदस्यों ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। समारोह में दर्जनों सेना के जवान और स्थानीय पुलिस बल भी मौजूद रहे, जिन्होंने पूरे अनुशासन और सम्मान के साथ शहीद को विदा किया। जो शहीद हुए हैं, वो शहीद होने के पीछे क्या वजह क्या रही? वो अभी बता नहीं सकते हम भी क्या हुआ है, कुछ नहीं, हमारे को भी पता नहीं, हम भी ऐसे लेकर आए वो ये मत डाल दो हमारा, ठीक है मीडिया को, आपको जो ऐसे बता वो बता दो मैं आपको, हमारे को भी नहीं पता, हमारे को बोला इसको लेकर जाओ, हम लेकर आए। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत नूरपुर पंचायत के वार्ड संख्या 10 में नाले की सफाई की गंभीर समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। लंबे समय से नाले का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए ग्रामीणों ने पहले भी चंदा एकत्र कर नाले की मरम्मत करवाई थी, लेकिन इसके बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार उस मुद्दे को जनप्रतिनिधियों के सामने उठाया, लेकिन उनके उदासीन रवैये के कारण समस्या का समाधान नहीं हो सका। वहीं सोमवार को सभी ग्रामीण एक बार फिर एकत्र हुए और जनप्रतिनिधियों से इस समस्या के स्थायी निपटारे पर विचार विमर्श किया। उनका कहना है कि वे पहले भी चंदा इकट्ठा कर चुके हैं, लेकिन नाले का पानी बार बार सड़कों पर आ जाता है, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है, खासकर डेंगू जैसी बीमारियों का। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन विकास कार्य धरातल पर कहीं दिखाई नहीं देता। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्दी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे सभी एकत्र होकर आंदोलन करेंगे। हाँ। ना अभी घर में खर्चे बर्ची नहीं चंदा तो लेकर ना झाड़ी लच्छे की करे, तो कोई नहीं अभी कहे फोन कर घर हो जाए चिकल तो ना बीमारी इलाज न हो नाली झाड़े ने पैसा दिलिये आरो बतैया आरो नाला ने सरपंच ने मुखिया कोई ने सहायता दे छे की गेला रो आज दिन कौन सा वार्ड है? वार्ड 10 है। हाँ, क्या प्रश्न? आज दिन तक ना तो कोई मुखिया ना वार्ड ना सरपंच आके ना तो नाली साफ करवाए और ना कभी कोई यहाँ विकास हुआ। भागलपुर से हैं और घर बनवाने, घर खरीदने या बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए लेकर आया है बाबा सरकार कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट कंपनी एक सुनहरा मौका, जहां आपको मिलता है अपने घर को नया 2D 3D डिजाइन के साथ साथ अपना पसंदीदा डिजाइन करवाने का मौका। जमीन का नक्शा से लेकर भवन निर्माण, इंटीरियर डेकोरेशन, फिनिशिंग जैसे टाइल्स, प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रिकल, फर्नीचर इत्यादि सारा काम होता है। तो आज ही संपर्क करें बाबा सरकार कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट कंपनी SP कोठी तिलका मांझी भागलपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7545801487, दूसरा नंबर है 9304630172। कहलगांव बुद्धुचक थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दुखद घटना में रानी दियरा घाट पर मेले में जाते समय दो बच्चे 12 वर्षीय कृष्ण कुमार और 10 वर्षीय नंद कुमार गंगा नदी में डूब गए। दोनों बच्चों के पिता का नाम सौदागर मंडल बताया जा रहा है। वहीं घटना के बाद से SDRF की टीम ने पूरे दिन
खोजबीन की, लेकिन अब तक शवों की बरामदगी नहीं हो पाई है। घटनास्थल पर SDPO अर्जुन कुमार गुप्ता, बुद्धूचक थाना प्रभारी मुकेश कुमार और एकचारी थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने निरीक्षण किया और बच्चों के परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों को सांत्वना दी। SDRF की टीम द्वारा खोजबीन का कार्य अभी भी जारी है। ग्रामीण और परिजन घटनास्थल पर मौजूद हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कुछ जानकारी मिल सकेगी। सौदागर मंडल। घर आपका? क्या हुआ था? बच्चा कितना बच्चा यहाँ डूबा? 3 गो डूब रहा था, एगो ऊपर हुआ। कौन बचा है? वो घघा का आदमी था। अच्छा, दो बच्चा अभी तक लापता है? आपे का दो बच्चा था? क्या क्या नाम था? कृष्णा कुमार और नंदू कुमार। कृष्णा कुमार किस क्लास में पढ़ाई करता था? 6th में सर। और नंदू कुमार? 4th में। ये कब की घटना है? आज 12 बजे। ये कैसे आज 1 बजे? कब ऐसा क्यों हुआ? किस लिए आया हुआ था यहाँ पे गंगा जी में? मेला देखने के लिए बरहिया आया था, तो बरहिया से 12-1 बजे इधर आ गया नहाने के लिए। कैसे पता चला कि आपका बच्चा यहाँ पे डूब गया है? देखा कोई तो फोन उन किया है, इसलिए आए। आपको कब पता चला ये सब घटना? हमको वही 1-1.5 बजे हमको भी पता चल गया। 1-1.5 बजे सुनते चले। अभी तक बच्चा का पता चला है कुछ? नहीं, कुछ नहीं। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष प्रियरंजन के निर्देश पर व्यापक वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व SI प्रणव कुमार, सागर कुमार, प्रियंका कुमारी, बबलू पंडित, संगम कुमार और अजीत कुमार ने किया। अभियान के दौरान दर्जनों मोटरसाइकिल जब्त की गई, जिनके कागजात की गहन जाँच की गई। बिना उचित दस्तावेज और हेलमेट के पाए जाने पर वाहन चालकों को ऑनलाइन फाइन भरने के निर्देश दिए गए और आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने पर वाहन छोड़े गए। इस अभियान में पुलिस बल के साथ साथ कई मोटरसाइकिल चालक भी मौजूद थे।